तो यस हमने सर, बेटा टीथ का स्ट्रक्चर पिछली बार बुलाया था, तो आज हम उसके बारे में करेंगे। तो पहले अगेन वही प्रोसीजर है, पहले समझना पूरा उस चीज को, मन में बिठाओ, लर्न करो। लर्न रट्टा नहीं मैं कह रही हूँ, लर्निंग का मतलब है उसको समझो अच्छी तरह से, फिर लिख लेना। तो ह्यूमन टूथ, पहली बात तो इट इज फॉर्म्ड ऑफ डेंटाइन, एक केमिकल है ये, ठीक है, सिक्रीटेड बाय, हमारे पास एक सेल्स है ओडोन्टोब्लास्ट, देन ह्यूमन टूथ आर एम्बेडेड इन जॉस, जॉस के अंदर प्रेजेंट है, और वो टूथ जो जॉस में एम्बेडेड हो दैट आर कॉल्ड एज इकोडोंटस। तो आप पूछ सकते हो कि क्या किसी ने जॉस, टीथ विदाउट जॉस भी है? तो ये ब्रैकेट में आपने लिखना है कि जो फ्रॉग है बेटा, फ्रॉग में एम्बेडेड नहीं है, जॉस है तो है बट जॉस के ऊपर अटैच्ड है, उसके अंदर नहीं धंसे हुए, इसलिए फ्रॉग के टीथ बहुत जल्दी टूट जाते हैं और बहुत जल्दी आ भी जाते हैं, नए टीथ भी आ जाते हैं। हमारे टीथ सिर्फ दो सेट्स में आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, जबकि जो फ्रॉग के हैं वो टूट के फिर आ जाते हैं, टूट के फिर आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके जॉस के अंदर एम्बेडेड नहीं है, जॉस के ऊपर ही अटैच है, ठीक है। इन फ्रॉग टीथ आर अटैच्ड एट द अपर एंड्स या अपर साइड्स ऑफ जॉस, एंड सच टीथ आर कॉल्ड एज एक्रो, एक्रो का मतलब होता है टिप, एक्रोडोंटस, जो टिप पे अटैच हो, अंदर एम्बेडेड ना हो। देन इन ह्यूमंस टीथ अपीयर इन टू सेट्स, दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब टीथ दो बार आए, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायाफियोडोंट। और जैसे मैंने आपको बताया कि बट यहां पे एक्सेप्शन भी है, क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट हम बताएंगे अभी कौन सी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट प्री मोलर्स, ये भी मैं अभी बताऊंगी ये क्या होते हैं, वैसे आपको थोड़ा बहुत पता भी है, प्री मोलर्स एंड लास्ट मोलर। लास्ट मोलर हम किसको कहते हैं, लास्ट मोलर हम कहते हैं जो अक्कल जाड़ आ जाती है, विजडम टूथ, ये एक्सेप्शन बहुत जरूरी है। ह्यूमंस में जो प्री मोलर्स है, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे आगे के हैं इंसाइजर्स, उसके बाद जो थोड़े से नुकीले टीथ है दे आर केनाइन्स, उसके बाद जाड़े हैं दैट आर प्री मोलर्स, और उसके बाद पीछे भी जाड़े हैं दैट आर मोलर्स। तो जो लास्ट मोलर्स है उनको हम कहते हैं विजडम टूथ, जो प्री मोलर्स है और सिर्फ लास्ट मोलर्स जो है दे अपियर ओनली इन परमानेंट सेट। वो मिल्क टीथ में नहीं होते, सिर्फ एक बार अपीयर होते हैं परमानेंट सेट में,
देयरफोर आर मोनोक्योडोट. जबकि जैसे मैंने अभी बताया था, फ्रॉग में टीथ कई बार टूटते हैं, कई बार आते हैं, उनको हम कहते हैं पॉलीपियोडोंट. फ्रॉग में टीथ अपीयर इन मेनी सेट्स. इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, पॉलीपियोडोंट. राइट. तो ह्यूमन टीथ क्या है, थीकोडोंट है, दूसरा है डायाकियोडोंट है. अनदर पॉइंट, थोड़ा सा मैं इधर को लिख दूं, इन ह्यूमन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. दैट इज कौन कौन से टाइप के टीथ है, मैंने बताया आपको, इनसाइजर्स, कटिंग टीथ, उसके बाद है केनाइन्स, टीयरिंग, जैसे कार्निवोर्स एनिमल्स है. कार्निवोर्स कौन से, जो मतलब लायंस हो गए, टाइगर्स हो गए, दीज आर कार्निवोर्स. वो फाड़ते हैं चीजों को, दे आर टीयरिंग, उनके केनाइन्स बड़े बड़े होते हैं जिसके कारण वो चीजों को काट फाड़ देते हैं. राइट. सो दीज आर टीयरिंग टीथ. अनदर इज प्रीमोलर्स और फिर है मोलर्स. दीज आर चूइंग टीथ. देयरफोर हम इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोडोंटस. हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप, क्योंकि ह्यूमन टूथ जो है वो डिफरेंट टाइप के है. दैट इज इंसाइजर्स, केनाइंस, प्री मोलर्स, मोलर्स, डिफरेंट टाइप के टूथ है. देयरफोर दे आर कॉल्ड एज हेट्रोडोंटस कंडीशन. राइट. ठीक है बेटा, चलो ये नोट कर लो पहले. नेक्स्ट आ जाता है बेटा स्ट्रक्चर. आपको पता है टीथ हैज रूट, देन उसके बाद बताइए, जल्दी से बताइए और कौन सा पार्ट है. यस मैम. नेक है और फिर क्राउन है. मैम स्क्रीन शेयर नहीं आ रही मैम. तो ह्यूमन टूथ कंसिस्ट ऑफ रूट, नेक एंड क्राउन. राइट. तो रूट हैज, या पहले तो इज एम्बेडेड इन एल्वियोलाई. मैंने बताया था एल्वियोलाई क्या होता है, जॉ बोन की कैविटी. Alveoli of jawbone is attached to jawbone by कौन सा joint है, fibrous joint है, fibrous immovable joint है. बेटा फाइबर जो होते हैं प्रोटीन्स के बने हैं, इमूवेबल. दांत हिलते नहीं है, वो तो जब हम बूढ़े हो जाते हैं, जब वो प्रोटीन्स डिटीरियोरेट हो जाते हैं तब दांत निकलने शुरू हो जाते हैं, खत्म होने शुरू हो जाते हैं. अदरवाइज ये इमूवेबल ज्वाइंट. राइट. देन हैज
रूट कैनाल विच हैज ब्लड वेसल। मैं ये जनरल आपको बता रही हूँ कि इन जनरल जब फीट पूरी तरह ग्रो कर जाते हैं तो ये रूट कैनाल बंद हो जाती है, राइट? दैट्स व्हाई द ग्रोथ ऑफ अवर टीथ इज लिमिटेड। बट हाथी है, एलिफेंट है, उनके दो जो है इंसाइजर जो है वो बड़े हुए हैं। तो वो कैसे बड़े हुए हैं, राइट? वो क्योंकि उनमें जो इंसाइजर, तो जो वो इंसाइजर्स है एलिफेंट के, दे हैव ओपन पल्प कैनाल। ओपन पल्प कैनाल में उनकी ये पल्प कैनाल खुली रहती है या रूट कैनाल खुली रहती है, जिसके कारण वो ग्रो करते रहते हैं करते रहते। दैट्स व्हाई दे हैव लार्ज टस्क। हाथी दांत होते हैं ना जो बड़े बड़े से होते हैं, दे हैव ओपन पल्प, राइट? ठीक है। बट हमारी बाकी सबके जो टीथ है उनके क्लोज पल्प, जब वो फुली ग्रोन है तो उनकी पल्प कैनाल या रूट कैनाल जो है वो क्लोज हो जाती है, राइट? तो जो पल्प कैनाल, रूट कैनाल को पल्प कैनाल भी कहते हैं, पल्प कैनाल इज लाइंड बाय, अगर आप डायग्राम देखोगे, लाइंड बाय ओडोंटोब्लास्ट, राइट? नेक्स्ट आ जाता है नेक, पार्ट ऑफ टूथ कवर्ड बाय गम्स, दैट इज नेक, और उसके बाद क्राउन, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टूथ and it is covered by, किससे covered है, enamel, secreted by, enamel कौन secrete करता है, secreted by cells है anemoblast, and you know ये बहुत छोटी क्लासेस से आप पढ़ रहे हो कि that enamel हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये कोई सेल नहीं है, सब्सटेंस है, कोई टिश्यू नहीं है, सब्सटेंस इन अवर बॉडी विच फॉर्म्स द आउटर कवरिंग, अगर इनेमल ना हो तो हमारे लिए च्यू करना जो है वो मुश्किल हो जाए। सो दिस इज क्राउन, और उसके बाद एक चीज आ जाती है, दैट इज डेंटल फॉर्मूला। बेटा अगर हम देखें तो हमारे पास इंसाइजर्स जो है वो कितने हैं, टू पेयर्स in each jaw, ठीक है, ऊपर भी चार नीचे भी चार, canines one pair in each jaw, premolars अगर हम permanent tooth की बात करें टू pairs इन each jaw, आपने पूरा लिखना है इन each jaw, yes, molars three pairs इन each jaw। तो अगर हम dental formula लिखते हैं, dental formula आपने पूरा लिखना है dental formula, तो हम क्या लिखते हैं, टू वन टू थ्री over 2, 1, 2, 3, this is upper jaw, this is lower jaw, two pairs of incisors, ये pairs बता रहा है, incisors, canine, premolars and molars, two pairs of molars, one pair canine, two pairs premolars,
एंड थ्री पेयर्स मोलर, ये अपर जॉ और ये लोअर जॉ, कितने टीथ हो गए जरा जल्दी से बताओ, अपर जॉ में कितने टीथ हो गए? मैम अपर में, हाँ मैम एट, एट तो ये है, दो दो चार पांच छह सात आठ, आठ पेयर्स है, तो ओ मैम कितने हुए? ऐसे मैम 16 हुए। 16 हुए, तो 16 ऊपर वाले जॉ में, 16 16 नीचे वाले हम कहते 32 हैं ना बत्तीसी तोड़ देंगे तेरी, कह देते हैं ना, तो व्हाट इज दैट बत्तीसी, 32 टीथ, बट हर एक के 32 टीथ नहीं भी होते, कईयों के जो है विजडम टूथ आता है, कईयों के नहीं आता, ठीक है जी। उसके बाद दिस इज टेम्परेरी टीथ, अगर हम बात करें तो मैंने आपको क्या बताया है कि 2102, क्योंकि प्री मोलर्स नहीं होते हैं टेम्परेरी मिल्क टीथ में, ठीक है, और लास्ट मोलर्स भी नहीं है, तो इसलिए कितने हुए आप बताओ जरा मैम, ये 5 ऊपर वाले पेयर में है एंड 5 नीचे वाले में है, कितने टीथ हुए ऊपर जॉ तो में? 10 हुए, टेन हुए, 10 हुए ऊपर वाले में, और 10 ही नीचे वाले में, यस मैम। टोटल हो गए। एंड मैम अगर एक्स्ट्रा टीथ होता है जो वो एक्स्ट्रा नहीं होता है बच्चा, एक्स्ट्रा नहीं होता है, कई बार क्या होता है कि मिल्क टीथ अभी टूटा नहीं है, परमानेंट आना शुरू हो गया है, तो नहीं मैम मेरे कहने का मतलब जो टीथ के ऊपर ही टीथ आ जाता है जैसे, वो तो स्पेस की बात है बेटा, कई बार क्या होता है हमारे जॉ का साइज छोटा है, जॉ लाइन छोटी है, ठीक है, तो उस केस में टीथ इतने ही आएंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। देखो एक्स्ट्रा कैसे लगता है कि या तो अभी टेम्परेरी टूटा नहीं है, परमानेंट आ गया है, और परमानेंट बड़े हुआ जा रहा है हुआ जा रहा है, तो उस केस में टेम्परेरी वाले को हमें डेंटिस्ट के पास जाके निकलवाना पड़ता है। समटाइम्स क्या होता है कि परमानेंट टीथ ही ओवरलैपिंग है, क्योंकि हमारा जॉ का साइज छोटा है, तो उस केस में डॉक्टर क्या करते हैं, कुछ बीच के दांत निकाल देते हैं, ताकि जितने दांत है वो प्रॉपर अपने स्पेस ले ले। आई डोंट नो ये कहां तक ठीक है कहां तक नहीं, बट दिस हैपेंस, टीथ एक्स्ट्रा नहीं आते, इतने ही टीथ होते हैं, इज इट ओके? ठीक है, तो ये लिख लो फिर जल्दी, हम प्री मोलर्स एंड मोलर्स को चूइंग एंड ग्राइंडिंग टीथ भी कह देते हैं, ग्राइंडिंग भी लिख लो, ग्राइंडिंग और चूइंग टीथ। तो हमने बेटा बक्कल कैविटी में आपको टंग के बारे में भी बताया, पैलेट के बारे में भी बताया, और जॉज के बारे में, जॉज विद टीथ भी बताया। देन बक्कल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंक्स, फेरिंक्स एज आई हैव टोल्ड यू हैज थ्री पार्ट्स, इंटरनल मेरी जो नोज का पोर्शन है ओपन्स इन नेसोफेरिंक्स, उसके बाद देन लार्नो नोफेरिंक्स भी था एक, हाँ जी बेटा मैम फेरनेक्स की, मैम एक लैरिंगियो पता नहीं फेरनेक्स मैं बताऊंगी बेटा, अभी बताती हूँ। बक्कल कैविटी ओपन्स इन ओरोफेरिंक्स, जो ओरोफेरिंक्स है यस सर, ओरोफेरिंक्स देन डिवाइड्स इनटू टू पैसेजेस, हाँ जी समरीत दिख रहा है आपको, अब नेटवर्क ठीक है? यस चलो जो हो गया वो मैं आगे रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, वो आप उसमें से नोट कर लेना, राइट? ओके मैम। तो
तो ओरोफेरेंस जो है इट डिवाइड्स इनटू टू पैसेजेस, दैट इज कौन से हैं, फर्स्ट है नेसोफेरेंस एंड सेकंड है ईसोफेगस। जो नेसोफेरेंस है विच प्रोसीड्स into, you know, trachea, ठीक है जी। तो पहले ये pharynx के बारे में लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं कि ये जो है, ये तो आपको पता ही है, दिस इज nasopharynx, दिस इज oropharynx। ये देखो बच्चे, ये जो है छोटा सा, ये थोड़ा सा पोर्शन इधर को चला गया, दिस इज लेरिंगोफेरेंस, ये है ईसोफेगस। इसकी जो बेटा यहां पे जो कैविटी है, यहां पे ये है ट्रेकिया, ये जो बेटा इसकी ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लॉटिस। लेरिंगोफेरेंस इनटू ट्रेकिया, दिस इज ग्लॉटिस विच इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। दिख रहा है आपको, ये है सिर्फ इतना सा पोर्शन जो है वो लेरिंगोफेरेंस। ठीक है, क्लियर है आपको बेटा? तो हम क्या कहेंगे, बस जहां से डाइवर्जन हो रही है वो लेरिंगोफेरेंस। तो हम बात क्या करेंगे यहां पर कि ओपनिंग ऑफ पेरेंट्स इनटू ट्रेकिया is called as, क्या बोलते हैं इसको, ग्लॉटिस, ध्यान से, which is guarded by leaf like structure, नजर आ रहा है leaf like cartilaginous structure, cartilage का बना है, एक होती है बोन, एक होता है कार्टिलेज, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर कॉल्ड एज एपिग्लॉटिस। ठीक है, और ये बेटा जो एपिग्लॉटिस है इट क्लोजेस ड्यूरिंग इंजेशन ऑफ फूड, जब हम खाना खा रहे हैं तो ये बंद हो जाता है ताकि खाना जो है हमारा विंड पाइप में ना चला जाए, विच क्लोजेस ट्रेकिया ड्यूरिंग इंजेशन ऑफ फूड। और बिकॉज कई बार हम क्या कहते हैं, अपर पार्ट ऑफ द ट्रेकिया इज कॉल्ड एज लेरिंग्स, ठीक है, लेरिंग्स इज योर साउंड बॉक्स, जहां से आवाज आती है। तो हम क्या करते हैं, हम खाना भी खाते हैं और हम बोलते भी रहते हैं, हमारे ब्रेन को बेचारा कंफ्यूज हो रहा है कि क्या करूं मैं, एपिग्लॉटिस, क्योंकि जब हम बोल रहे हैं तो एपिग्लॉटिस खुलेगा, वो बंद खुल ऐसे जाएगा क्योंकि हवा निकल नहीं है, ठीक है। तो हम खाना भी खाई जा रहे हैं, बोली भी जा रहे हैं, एपिग्लॉटिस प्रॉपरली बंद नहीं हो रहा, तो कई बार क्या होता है कि खाना फूड पाइप में ना जाके कहाँ चला जाता है, विंड पाइप में चला जाता है। कभी देखा है आपने, आपके ना हुआ हो किसी और के देखा हो, तो फिर क्या होता है, बहुत ज्यादा कफिंग होती है, बहुत ज्यादा हम कहते हैं उठू चढ़ गया है, होता है कभी कि नहीं, हैव यू एवर सीन, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए तो पहली बात तो फटाफट से उसको उसकी पीठ पे यहाँ पे मारो ताकि उसका वो निकले सारा, ठीक है। और
अगर कई बार क्या, पहली बात तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये कि जब आप खाना खा रहे हो तो बोलो मत, अगर हो जाए तो फटाफट से उसकी पीठ में मारो ताकि वो बाहर को निकले खाना, ठीक है। एंड समटाइम्स इट मे क्लॉग, इट मे ब्लॉक द ट्रेकिया, और वो कंडीशन सीरियस हो सकती है। तो कुछ चीजें हम खुद बचा सकते हैं कि खाना खाते टाइम हमें बोलना नहीं, राइट। तो इस तरह से एपिग्लॉटिस जो है तो आप ये कह सकते हो। एंड एक चीज और कि ओरोफेरेंक्स जो है, यहाँ से साथ ही लिख लेना इसके साथ ही, कि ओरोफेरेंक्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है जी। तो नेचर ने सारी फैसिलिटी दी है कि कॉमन पैसेज है, बट फूड विंड पाइप में नहीं जाता है, बट हमारी नादानी से, हमारी गलतियों से जा भी सकता है, जो हम प्रोटेक्ट प्रिवेंट कर सकते। इज इट ओके, ठीक है। तो अब ये लिख लो, पहले बना लो और लिख लो। Esophagus is food pipe. It is 25 centimeter long. Passes to chest region. ये सारी हमारी जो है ईसोफेगस पास कर रही है एंड opens in cardiac part of stomach. Is it right? So this is esophagus. To chest region and diaphragm also. डायफ्राम को भी उसके अंदर से पास करती है एंड ओपन इन कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक, राइट। उसके बाद स्टमक, स्टमक को और क्या बोल देते हैं बेटा, ऑल्सो कॉल्ड एज गेस्टर। मैंने जैसे बताया था, पहली बात तो इट इज जे शेप, इस तरह से है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, कौन से पार्ट से हैज कार्डियक पार्ट, पंडित पार्ट, बॉडी, और तीसरा है पाइलोरिक पार्ट। हमने पहले भी ड्रॉ किया था, मैं दोबारा से बता रही हूं। तो दिस इज कार्डियक पार्ट, ये जो थोड़ा सा डोम शेप स्ट्रक्चर है पंडिक, बॉडी एंड पाइलोरिक, इसको हम कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं।
ये तो पाइलोरिक स्फिंक्टर है ही। स्फिंक्टर क्या है? स्फिंक्टर मस्कुलर रीजन है, ठीक है, जो खुलते और बंद होते हैं। तो ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू स्टमक इज गार्डेड बाय मैं ऐसे लिख रही हूँ गैस्ट्रो इसोफेजियल। आपने पूरा लिखना है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर ऑल्सो कॉल्ड एज कार्डियक स्फिंक्टर। यू हैव टू राइट कंप्लीटली, मेरी तरह नहीं, ऐसे नहीं तो मैं भी नहीं बाद में बता पाऊंगी, ठीक है। एंड ओपनिंग ऑफ स्टमक इनटू यू नो स्मॉल इंटेस्टाइन इज गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है जी। तो और यहाँ पे स्टार डाल के पॉइंट मैं बता रही हूँ आपको कि स्फिंक्टर क्या है। स्फिंक्टर जो है फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। दैट कैन ओपन और क्लोज द ओपनिंग। ठीक है, जब खाना आता है तो ये स्फिंक्टर खुल जाता है, खाना अंदर किया एकदम स्फिंक्टर बंद हो जाता है, सो दैट देयर इज नो मतलब रिवर्स रिफ्लक्स ऑफ द फूड इनटू द ईसोफेगस। जब स्टमक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो खाना पीछे ना जाए, आगे की तरफ जाए, इसलिए ये स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। राइट, डू इट। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 6.25 मीटर्स इन लेंथ। आप ये नहीं भी याद करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिर्फ आप ये देखो कि फॉर एग्जाम्पल जो हमारी साड़ी होती है जो हम बांधते हैं वो भी 5 मीटर की होती है, कितनी बड़ी होती है, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन 6.25 मीटर्स है। राइट, सो इट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। पूरा लिख लिया आपने आगे, ठीक है, बट जगह तो उतनी है, 6.25 कहाँ पे एडजस्ट हो। इट हाईली कोइल्ड देन। पार्ट्स क्या है इसके? टी शेप्ड, ये अनकॉइल्ड पोर्शन है, दिस इज ड्यूडिनम। देन कॉइल्ड जिजुनम एंड हाईली कॉइल्ड हीलियम। ड्यूडिनम जिजुनम हीलियम, ये जो दो पार्ट है ड्यूडिनम एंड जिजुनम कॉजेस कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड।
और जिजुनम एंड इलियम डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड. मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसमें होती है? इलियम में होती है. बट कहां पे एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है? जिजुनम में शुरू हो जाती है. ड्यूडेनम में एब्जॉर्प्शन नहीं होती. ऑल्दो स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट इज लाइंड बाय विल्ला. देन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज इनफोल्डिंग. इनफोल्डिंग बेटा कई टाइप की है. टंग लाइक भी है, फिंगर लाइक भी है, लीफ लाइक भी है. LTF हम बोलते हैं. लीफ लाइक, टंग लाइक, फिंगर लाइक, ठीक है. इनफोल्डिंग कॉल्ड एज विलाई. विलाई क्या कर रही है? एक यहां से आप ये देखो, ये यहां से एब्जॉर्प्शन है. जगह इतनी ही है बट एब्जॉर्प्शन ज्यादा करनी है. तो क्या हुआ? इतनी सी ही जगह में वॉल बड़ी हो सकती है. वॉल ने क्या किया कि कोई बात नहीं, जगह इतनी है ना, मैं तो बड़ी हो सकती हूं. अब क्या है आप देखो, एरिया बढ़ गया जहां से एब्जॉर्प्शन हो सकती है. यस और नो बोला करो, हाँ ना में जवाब दिया करो. यस मैम. ठीक है, तो विल्लाई क्या कर रही है? विल्लाई, ये विल्लाई है. इनफोल्डिंग जो है दीज आर विल्लाई. विल्लाई इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन. बेटा हम कहते हैं कि सरफेस एरिया क्यों चाहिए? बेटा खाना जो है अनलिमिटेड टाइम के लिए इंटेस्टाइन में नहीं रह सकता. इंटेस्टाइन में मूवमेंट हुए जा रही है, कॉन्ट्रेक्शन हुए जा रही है, हुए जा रही है. खाना आगे मूव किए जा रहा, किए जा रहा, किए जा रहा. तो हम कहते हैं जल्दी से डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाए. अगर सरफेस एरिया कम होगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी नहीं, और अगर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो वो डाइजेस्टेड, चाहे डाइजेस्ट भी हो गया बट वो फूड फीसेस के थ्रू बाहर चला जाएगा. इसलिए ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए. तो देयर आर प्रेजेंट विल्लाई एज वेल एज माइक्रो विल्लाई. माइक्रो विल्लाई क्या चीज है? दिस इज, मैं थोड़ा सा उल्टा दिखा रही हूँ. दिस इज विल्लाई एंड इसकी जो आगे इनफोल्डिंग है देयर आर मेनी माइक्रो विल्लाई. मैम. हाँ जी बेटा. मैम ये स्मॉल इंटेस्टाइन के सारी कॉइल में होते हैं या किसी पर्टिकुलर रीजन में? इलियम में मैक्सिमम है बट होते तो ड्यूडिनम, जिजुनम, इलियम तीनों में है. बट मैक्सिमम विल्लाई आर प्रेजेंट इन द इलियम वेयर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज टेकिंग प्लेस. ओके मैम. ठीक है, सो दिस इज विल्लाई और इसकी भी आगे इनफोल्डिंग होती है. दिस इज माइक्रोविलाई. तो विलाई एंड माइक्रोविलाई इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. इज इट राइट? ठीक है, तो अनदर इज वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लिम्फोइड स्ट्रक्चर्स called as Peyer's patches. Lymphoid, again जहां पे lymphocytes stored हो, they store lymphocytes. Which provide defense. Again,
हमारी बॉडी है बेटा, नेचर नहीं कहता कि तुम्हारी बॉडी को कोई डिजीज हो, उसने इतनी सारी आर्मी दी हुई है। वो बात अलग है कि हमने अपना लाइफस्टाइल, हमने अपना खाना, हमने इतनी पोल्यूशन, हमने नेचर को डिस्ट्रॉय करके हमने अपना इम्यून सिस्टम भी डिस्ट्रॉय किया है, हम उसको काम ही नहीं करने देते। ठीक है, अदरवाइज नेचर ने जगह 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 आर्मी दी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह से उसने स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेयर्स पैचेस दिए हैं जहां पे लिम्फोसाइट स्टोर्ड है। अगर कोई फूड के साथ माइक्रोब जा रहा है, पहले तो कुछ बैक्टीरिया सलाइवा में मर जाएंगे, कुछ आगे गए तो स्टमक में एचसीएल है वहां मर जाएंगे, कुछ आगे और चले गए तो पेयर्स पैचेस में लिम्फोसाइट्स है वो मारते हैं। ठीक है तो हमारे पास बहुत कुछ, बट हमारे उसको मेंटेन करना हमारा काम है जो हम करते नहीं, राइट। सो दिस इज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, लिख लो पहले ये जल्दी से, फिर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करेंगे। देखिए ड्यूडिनम जहां पे लिखा है ना, यहाँ पे एक और लिख लेना कि इट रिसीव्स हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, हूज ओपनिंग इज गार्डेड बाय दैट इज स्फिंक्टर, हेपेटोपैंक्रियाटिक स्फिंक्टर, हेपेटो पैंक्रियाटिक स्फिंक्टर और एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, ये जब हमने डायग्राम बनाया था तो वहां आपने दिखाया था कि हेपेटो पैंक्रियाटिक का वहां पे खुल रही है। लार्ज इंटेस्टाइन एंड यू नो लार्ज इंटेस्टाइन हैज ए ब्लाइंड सैक कॉल्ड एज दिस इज सीकम। सीकम में एक छोटी सी प्रोट्यूबरेंस है, दिस इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो ह्यूमंस में वेस्टिजियल है, बट समटाइम्स इंफेक्शन अकर्स हियर कॉजिंग अपेंडिसाइटिस, तो उस केस में हमें ये अपेंडिक्स रिमूव करनी पड़ती। देन दिस इज कोलोन पार्ट, असेंडिंग कोलोन, दिस इज ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम एंड दिस इज एनस। सो सीकम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम एंड ओपन्स आउट थ्रू एनस। जो लार्ज इंटेस्टाइन है होती तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, बट इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, इट इज वाइडर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, हैज ए ब्लाइंड सैक कॉल्ड एज सीकम। इसमें क्या है बेटा, सीकम हैज
सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. Which synthesize vitamin K and vitamin B complex. बहुत सारे B complex के vitamins, vitamin K ये bacteria बनाते हैं, right? Cecum has a projection. क्या नाम है उसका? वर्मिकॉर्म अपेंडिक्स, विच इज वेस्टिजियल. वेस्टिजियल का मतलब है जो नॉन फंक्शनल है, रिड्यूस्ड है, क्योंकि हमने खाना कच्चा खाना छोड़ दिया, पका के खाना शुरू किया है, इसलिए ये वेस्टिजियल हो गए. वेस्टिजियल इन ह्यूमंस. देन second is colon. It has chambers. ये जो छोटे छोटे chambers जिनको हम क्या कहते हैं, chambers, जिनको हम क्या बोलते हैं, hostra. क्या function है इस colon का? Helps in absorption of water and vitamins. क्योंकि यहाँ पे vitamin बने और खाना तो यहाँ से यहाँ को जा रहा है, undigested food यहाँ से यहाँ पे जा रहा है. Helps in absorption of water and vitamins from undigested food. ठीक है. And convert undigested food isme into feces. Rectum temporarily stores feces. और एनस पासेस आउट पीसेस. और ये देख लेना, ये जो वॉल्व है, दिस इज वॉल्व या स्फिंक्टर, दिस इज इलियो सीकल स्फिंक्टर. तो आप लिख सकते हो या ये बना सकते हो कि ओपनिंग ऑफ इलियम इनटू सीकम इज गार्डेड बाय इलियोसीकल. ठीक है बेटा, करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन. देख लेना, कोलोन जो है असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनस. वी विल डू हिस्टोलॉजी ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. बेटा आपको ये पता है कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल या किसी की भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड ऑल दैट, ये जो है ये कैविटी है, ये होलो है. इसकी जो वॉल है इसमें डिफरेंट टिश्यूज है. ठीक है. हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल मीन्स एलिमेंट्री कैनाल इज होलो एंड its wall is formed of different tissues. Tissues आपने ninth में किया हुआ है, हम भी बाद में करेंगे. Epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue, nervous tissue, that are tissues, right? So histology is
कॉम्पोजिशन ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ मेम्ब्रेन या वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल किन टिश्यूज की बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. हम बेटा ईसोफेगस का अगर हम लेट अस से हमने ये वाला पार्ट काट लिया या हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का लेट अस से हमने ये छोटा सा पतला सा सेक्शन काटा तो हमें ये सर्कुलर नजर आया. और फिर हमने डिफरेंट टाइप की स्टेनिंग की, हमने डिफरेंट कलर्स किए इसको, स्टेनिंग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है. और फिर हमने इसको देखा जब माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें क्या नजर आई, सबसे बाहर तो एक एपिथेलियल लेयर है. सबसे बाहर एपिथीलियम आ जाती है जिसको हम बोलते हैं सिरोसा. सिरोसा क्या है, फॉर्म्ड ऑफ मेसोथीलियम. ये मैम एलिमेंट्री कैनाल के मेम्ब्रेन के पार्ट्स हैं, इनकी बात कर रहे हैं या हम वॉल की बात कर रहे हैं, बीच की कैविटी. तो बेटा ये जो है ये तो ल्यूमन है. हम किसी भी लंबी आप लेटर से आप ये सोचो आप एक कुकम्बर है उसको काट रहे हो, जब उसको सर्कल काटते हो तो आपको बीच में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन नजर आती है कि नहीं. बीज yes, मैम आती है. सेंटर में बीज है, फिर उसके थोड़ा सा जूसी है, फिर उसके बाद हार्ड पोर्शन भी आता है, होता है कि नहीं. yes, मैम होता है, ठीक है. तो इसी तरह इसके बीच में क्या है, ल्यूमन है, खाली जगह है, हमें ऐसा गोल सा नजर आता है, ठीक है. तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, दैट इज सिरोसा फॉर्म्ड ऑफ मेसोथीलियम. इट इज द एपिथीलियम. विच फॉर्म्स द कवरिंग ऑफ विसरल ऑर्गन्स. हमारे जितने भी बेटा विसरल ऑर्गन्स, हमारा विसरा क्या होता है, विसरल ऑर्गन्स होता है जितने भी हमारी कैविटी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज विसरल ऑर्गन्स. तो जितने भी ऑर्गन्स है, किडनीज है, लंग्स है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब ऑर्गन्स है. इनकी सबसे बाहर वाली लेयर किसकी बनी हुई है, मेसोथीलियम की, है ना. सिरोसा तो हमने कह दिया एलिमेंट्री कैनाल की लेयर को, बट बनी किसका है सिरोसा, मेसोथीलियम. क्या है मेसोथीलियम, एक ये एपिथीलियम है जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को कवर करती है. अभी मैं बताऊंगी नहीं कि भाई ये स्क्वेमस, चलो बता तो दिया, बट लेटर ऑन आई विल टेल यू कि स्क्वेमस एपिथीलियम क्या होती है. सो इट इज एक्चुअल स्क्वेमस एपिथीलियम, बट लेटर ऑन, अभी सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये एक एपिथीलियम. उसके बाद जो आ जाती है दैट इज मस्कुलरिस. मस्कुलरिस इज फॉर्म्ड ऑफ स्मूथ मसल फाइबर. This is muscularis and muscularis जो है जो बाहर है ये longitudinal muscles है, लंबे लंबे करके arrange है. या पूरा बना लेना. और अंदर वाली layer में there are present, मतलब ये सिर्फ मैंने ऐसे represent किया कि ऐसे दिखते तो नहीं है, but these are circular muscles. तो ये क्या है,
longitudinal muscles. Arrangement है muscles का. Circular muscles. और इन दोनों ने मिलके क्या बनाई, कौन सी लेयर है? दिस इज मस्कुलरिस. पहली थी सिरोसा, सबसे बाहर है सिरोसा, उसके बाद है मस्कुलरिस. किसकी बनी है? स्मूथ मसल फाइबर, MF मतलब मसल फाइबर, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, कब कंट्रोल होते, कब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कब नहीं, हमें नहीं पता चलता. उसके बाद आ जाती है क्या, ये है सबमुकोसा. दिस इज सबम्यूकोसा. सबम्यूकोसा जो है फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Has blood vessels and lymph vessels. और उसके बाद this is सबसे अंदर वाली layer, सबसे thick layer, जिसने इंटेस्टाइन में क्या बनाया है, विल्लाय. अगर हम ये इंटेस्टाइन वाला पोर्शन देखते हैं तो ये विल्लाय बनी हुई है. सो दिस इज होल म्यूकोसा और ये है ल्यूमन, कैविटी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. म्यूकोसा जो है इज फॉर्म्ड ऑफ, इसमें सब कुछ है, इज फॉर्म्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मसल फाइबर्स एज वेल एज एपिथेलियम. ठीक है जी, तो ये पहले बनाओ, फिर मैं इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग आपको और करवाती हूँ. डायग्राम किसका है? TS, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. तो बेटा जो सब होता है, हो गया पवन? यस मैम. सब म्यूकोसा है इन स्मॉल इंटेस्टाइन. एक ग्लैंड होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, आर फॉर्म्ड ऑफ सब म्यूकोसा. स्मॉल इंटेस्टाइन में सब म्यूकोसा का कुछ पार्ट जो है वो ग्लैंडुलर हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स द ब्रूनर्स ग्लैंड, राइट. अनदर इज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक. Other intestinal glands, of small intestine, Brunner's gland को छोड़ के, these are formed by mucosa.
ठीक है जी, इन स्टमक, स्टमक वाले रीजन में जो ये म्यूकोसा है, म्यूकोसल एपिथेलियम, मैंने आपको बताया कि म्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यू भी है, मसल फाइबर्स भी है और एपिथेलियम भी है. म्यूकोसल एपिथेलियम फॉर्म स्मॉल रिजेस, जिनको हम क्या बोलते हैं, जिनको हम बोलते हैं र्यूबे. स्मूथ नहीं है स्टमक की वॉल, है ना, थोड़ी सी उबड़ खाबड़ है, छोटे छोटे से रिजेस है र्यूबे. वो क्या करते हैं, फूड की चर्निंग में हेल्प करते हैं. इन स्मॉल इंटेस्टाइन विलाई आर द, यू नो अगेन, इन फोल्डिंग ऑफ यू नो म्यूकोसल एपिथेलियम. ठीक है जी, तो म्यूकोसा ही है जो मैक्सिमम ग्लैंड्स बना रहा है, म्यूकोसा है जो र्यूगे बना रहा है, म्यूकोसा ही है जो एपिथेलियम भी बना रहा है. पर यहाँ पे एक चीज और लिख रही है, सब म्यूकोसा में कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड नर्व फाइबर, नर्व फाइबर्स आल्सो. क्यों नर्व फाइबर्स क्यों चाहिए, क्योंकि बेटा ये जो मसल्स है इनको मैसेज देने के लिए भी तो नर्व चाहिए, और वो नर्व फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा में. किसके साथ कनेक्टेड है, इन मसल्स के साथ कनेक्टेड. इज इट ओके, ठीक है, तो ये थोड़े से पॉइंट्स लिख, और आज हम यहां तक करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम ग्लैंड्स के बारे में करेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है. एंड अगेन इन वन अनदर लेक्चर, आई थिंक 2 to 3 लेक्चर नेक्स्ट वीक हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, ठीक है. बट आपने पढ़ना है ये आराम से.